नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों की बात करेंगे। तो जिन प्रश्नों की हमें हम बात करेंगे, चलिए उनको देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो गुप्त वंश का संस्थापक हमें बताना है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए घटोत्कच गुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी श्रीगुप्त और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है श्रीगुप्त। ठीक है, तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। ठीक है, अब बात यहाँ पर गुप्त वंश की हुई है तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गुप्त वंश का प्रतापी राजा कौन था। तो गुप्त वंश का सबसे प्रतापी जो राजा था वह था चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम का भी पूछ लिया जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह जो हुआ था वो किससे हुआ था। तो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी कुमार देवी। तो लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से इनकी शादी हुई, इनका विवाह हुआ था। और इस जो गुप्त थे वह कुषाणों के सामंत थे। किसके सामंत थे? कुषाणों के पहले सामंत थे, फिर उन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की। और चंद्रगुप्त प्रथम जो थे इन्होंने ही महाधिराज की उपाधि धारण की थी। और गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मंदिर निर्माण की कला, यह भी गुप्त काल से ही विकसित हुई थी। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है यह हमें बताना है। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त को, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त को और ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त को। तो इसका जो सही आंसर है वह समुद्रगुप्त को, यानी प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और यह जो उपाधि दी गई है भारत का नेपोलियन, ये दी गई थी बी ए स्मिथ के द्वारा। और क्यों दी गई थी? जो समुद्रगुप्त की विजय थी उनसे प्रभावित होकर बी ए स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। आगे बढ़ेंगे कि गुप्त वंश का वह कौन राजा था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। हूणों को भारत पर आक्रमण करने से जिस राजा ने रोका है उसका नाम हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो इसका जो सही आंसर है वह है स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त वैसे तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था, लेकिन इस अंतिम शासक ने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। हूणों की और स्कंदगुप्त की लड़ाई हुई जिसमें स्कंदगुप्त क्या हुआ? विजयी हुआ। और जब यह स्कंदगुप्त विजयी हो गया तो इसने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो गुप्त वंश था वह किस लिए प्रसिद्ध था यह हमें बताना है। ऑप्शन ए कला एवं स्थापत्य के लिए, ऑप्शन बी साम्राज्यवाद के लिए, ऑप्शन सी राजस्व एवं भूमि कर के लिए और ऑप्शन डी साहित्यिक कार्यों का संरक्षण के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वह है कला एवं स्थापत्य के लिए। ठीक है, तो जो गुप्त राजवंश है यह कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, और अगर हम बात करें कला और साहित्य की तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल है वह कला एवं साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कला एवं स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल। आगे बढ़ेंगे कि एरन का अभिलेख का संबंध किस शासक से है। ठीक है, तो एरन का अभिलेख है इसका संबंध किस शासक से है यह हमें बताना है। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी भानुगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका जो सही आंसर है वह भानुगुप्त। ठीक है, तो एरन का जो अभिलेख है यह भानुगुप्त से संबंधित है। और एरन का अभिलेख यह मध्य प्रदेश के सागर जिले से संबंधित है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर सबसे पहले सती प्रथा के प्रमाण मिले हैं, सती प्रथा के प्रमाण मिले हैं, इसलिए यहाँ इस जो अभिलेख है इसको हम क्या कहते हैं? सती अभिलेख के नाम से भी जानते हैं।
आगे बढ़ेंगे कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। ठीक है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे ये हमें बताना है। ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी बुद्ध और ऑप्शन डी सूर्य। तो इसका जो सही आंसर है वह है विष्णु। ठीक है, तो गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे, वह थे विष्णु। आगे बढ़ेंगे कि गुप्त संवत जो कि 319 से 320 में शुरू हुआ था, तो गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। ठीक है, किसने गुप्त संवत को शुरू किया था ये हमें बताना है। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त को, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को और ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त को। तो इसका जो सही आंसर है वह है चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था गुप्त संवत जो कि स्टार्ट हुआ था 319-320 से। ठीक है, लेकिन यह ज़्यादा नहीं चल पाया, लेकिन इसकी जब शुरुआत हुई तो तब किसने शुरू किया था, यह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने इसको शुरू किया था। आगे बढ़ेंगे कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक कौन था, हरिसेन, और हमें बताना है कि हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका जो सही आंसर है वह है समुद्रगुप्त। ठीक है, तो जो हरिसेन था यह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और इसी के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की क्या की गई थी, रचना की गई थी, और इसमें समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन किया गया इस अभिलेख में। ठीक है, तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था इसलिए इसने समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किया है। आगे बढ़ेंगे कि गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था। ठीक है, सोने की जो मुद्रा थी गुप्त काल में उसे क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए दीनार, ऑप्शन बी कासारपण, ऑप्शन सी निस्क और ऑप्शन डी काकनी। तो इसका जो सही आंसर है वह है दीनार। ठीक है, तो गुप्त काल की जो सोने की मुद्रा थी उसे कहा जाता था दीनार। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा। ठीक है, कुमार संभव यह जो महाकाव्य है किस कवि ने लिखा। ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी चंद्रबरदाई, ऑप्शन सी हरिसेन और ऑप्शन डी कालिदास। तो इसका जो सही आंसर है वह है कालिदास। ठीक है, तो कुमार संभव जो महाकाव्य है यह लिखा गया है कालिदास के द्वारा, और कालिदास को ही क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम आदि ग्रंथ भी जो कालिदास हैं इनके प्रसिद्ध हैं, तो यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बाणभट्ट की बात करें, ठीक है, तो बाणभट्ट ने किसकी रचना की, इन्होंने की है हर्षरथ की रचना। चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासु, और हरिसेन ने लिखा है प्रयाग प्रशस्ति। तो यह भी आपको याद रखना है, बाणभट्ट का हर्षचरित्र, चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासु और हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति। और कालिदास के जो भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो सभी आपको याद रखना है, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम आदि, इनके जो मेघदूतम, रघुवंशम, यह सब क्या हैं, कालिदास के ग्रंथ हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।